जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात होगी श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में और कंपनी के निवेशकों के बारे में। इस कंपनी में देखेंगे तो काफी दिनों से कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके इस स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी दिखने की शुरुआत हो गई है। और ये सिर्फ शुरुआत भर नहीं है, ये जो तेजी आपको यहाँ पे दिख रही है ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि कंपनी के चार्ट पर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके बदौलत ये बात कहने में आसानी हो रही है और हजम भी हो रही है कि ये तेजी कंटिन्यू आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। काफी समय से स्टॉक में कुछ खास बड़ी तेजी नहीं मिली है, लेकिन अब कंपनी के जो काम धाम है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं और कंपनी का और जो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो क्वार्टर टू के नंबर अभी आने हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी चीजों के बदौलत श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो कंपनी के निवेशक हैं उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, साथ में यदि कोई न्यू व्यक्ति है जो इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उससे क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझिए, श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कंपनी है एक एनबीएफसी कंपनी है, भी जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। एनबीएफसी कंपनियां होती क्या है, दरअसल ये लोन्स वगैरह देने का काम करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट को, और लोन्स देने के साथ साथ इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ये कंपनी स्टॉक्स मार्केट में देखेंगे तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हुए भी आपको दिखेगी। यानी कि देखिए, एक तो फाइनेंस की कैटेगरी का ये स्टॉक है, तो ऐसे ही फाइनेंस के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है उनको मैं काफी बोल्ड और स्ट्रांग समझता हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे करके इनका प्राइस जाता ऊपर ही है। और उसमें देखेंगे तो जब स्टॉक मार्केट से, एक तो हम खुद इस कंपनी में चूंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो इसमें हम पैसा लगा रहे हैं, और ये खुद एज ए मतलब कह सकते हैं कि रिटेलर्स या HNI की तरह इसमें पैसा लगाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मजबूती का साइन देता है कि आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सिर्फ काम के बेसिस पे जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अब हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत से हो सकते हैं कि न्यू न्यू सेगमेंट में पैसा लगाना चाह रहे हो, तो उनके लिए फंडामेंटल भी देखना आवश्यक है। या आपका पहले से भी पैसा है तो आपके लिए भी जानना जरूरी है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, तकरीबन 30 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया है, क्योंकि शेयर के प्राइस से बढ़ने लगे हैं और शेयर के प्राइस घटने बढ़ने से मार्केट कैप पर भी असर पड़ता है। तो प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे माइनस में, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्राइस बहुत दिनों से डाउन ही है तो कुछ खास रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि अब शेयर प्राइस में तेजी आने लगी है तो जाहिर सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव में यानी कि प्लस में हो जाएगा। अब चार्ट देखते हैं, एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस ने जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 35 पैसे के लेवल, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था, क्योंकि नेगेटिविटी इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा फैल गई थी। होता क्या है, जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो निवेशक बेच के घबरा के जो रिटेल निवेशक है वो निकलने लगते हैं, और यही एक नेगेटिविटी की बड़ी वजह बन जाती है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है थोड़ी बहुत तो मजबूती इसमें रहेगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिनका मेजर स्टेक है, जो इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो घबरा के बेचेंगे नहीं, इस वजह से प्राइस फिर से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास देखेंगे नीचे से चढ़ते चढ़ते आ गया है। अब ये होगा कि प्राइस आएगा थोड़ा और ऊपर और इस रेंज में आकर समय बिताने लगेगा, यानी कि 35 पैसा से 40 पैसा जो कि इसका पहले का रेंज है, इसी रेंज में इस स्टॉक ने आप देख सकते हैं बहुत दिनों तक समय बिताया है, तो फिर से इसी रेंज में आकर समय बिताएगा और यहाँ पर समय बिता के फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। तो 40 पैसा का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा और इस बार इजिली ब्रेक कर देगा, आपको बस वेट करना है कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर को आने के लिए। क्वार्टर टू का नंबर कब आएंगे इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, और क्वार्टर टू का नंबर जैसे आएगा उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है इजिली ब्रेक करेगा प्राइस 40 पैसा के लेवल और ऊपर निकालेगा, तो सीधे 55 पैसा के आसपास आएगा जो कि इसका पहले का रेजिस्टेंस है। तो पहले आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को 55 पैसा तक आने दीजिए, फिर उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको अपडेट करूंगा। और जो नए व्यक्ति हैं जो इसमें भी पैसा लगाना चाहते हैं, जब तक प्राइस इसका 40 पैसा से ऊपर ना निकले आपको इसमें नया पैसा नहीं डालना है, क्योंकि अभी डाल देंगे तो क्या होगा आपको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, इसलिए वेट ना करना पड़े, आप एकदम जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ जाए और 40 पैसा को ब्रेक करे तभी इसमें पैसा लगाएंगे। BSE इंडिया की वेबसाइट पे जो आप इस स्टॉक ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है 30 सितंबर के आसपास ही क्लोज होने की नोटिफिकेशन आ गई थी, लेकिन ट्रेडिंग विंडो क्लोज होते होते क्वार्टर के नंबर नहीं आ जाते हैं। दरअसल ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का मतलब ये होता है कि क्वार्टर्स का नंबर आने वाला है, लेकिन अक्टूबर मंथ में सभी बड़े कंपनियों का रिजल्ट आ रहा था, तो अब जाके इस कंपनी का जो क्वार्टर टू का नंबर आएगा, हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको कंपनी के क्वार्टर टू का नंबर देखने को मिले। तो क्वार्टर टू का नंबर इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा।
क्योंकि जब आप पहले के क्वार्टर्स का नंबर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया था काफी शानदार आया था। इसमें जो कंपनी के सेल्स हुए थे पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग डबल हो गए थे, और सिर्फ सेल्स ही नहीं हुआ था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का जबरदस्त बढ़ा था। तो नेट प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो सेल्स है वह भी बढ़ा है, यानी कि ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल अब मजबूत हो रहा है। इसलिए कंपनी के क्वार्टर टू के जो नंबर आने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें भी कंपनी का सेल्स प्लस प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा, तो ये फंडामेंटल मजबूत होने के साइन है। जाहिर सी बात है शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़े बहुत प्रमोटर्स की भी हिस्सेदारी है, 0.44% इस कंपनी में प्रमोटर्स भी हैं, और चूंकि पेनी स्टॉक है तो जाहिर सी बात है मेजर जो हिस्सेदारी है पब्लिक ही होगी। तो ओवरऑल बात यह है कि श्री सिक्योरिटीज फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है, इसलिए मेरा इस पे काफी भरोसा है, और भरोसा इसलिए भी क्योंकि कंपनी के बाकी सारे पैरामीटर्स भी फिट बैठ रहे हैं, एक दो को छोड़ दे तो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये भी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत फंडामेंटल और बेहतर होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो भी मैंने बातें बताई हैं उस लेवल का, उस बातों का ध्यान रख के आप इसमें अपना निवेश जारी रख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।